ने टोटल 376 मोबाइल्स अभी बरामद किए हैं अलग अलग। इसमें दरगाह थाने की टीम ने 156 मोबाइल्स और हमारी जो यहाँ अभय कमांड सेंटर की टीम है उसने 220 मोबाइल्स बरामद किए हैं। मोबाइल चोरों के खिलाफ अजमेर पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पुलिस की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी हो जाने वाले और खो जाने वाले अलग अलग स्थानों से 376 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य मोबाइल चोरी की वारदात के संबंध में पूछताछ कर रही है। पहले भी हमने किया था, उसके बाद जो मोबाइल फोन्स गुम हो जाते हैं या कोई चोरी हो जाते हैं उनको बरामद करने का प्रयास था और उस समय भी हमने 220 के आसपास मोबाइल्स बरामद किए थे और उसी कार्रवाई को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी हमने टोटल 376 मोबाइल्स अभी बरामद किए हैं अलग अलग। इसमें दरगाह थाने की टीम ने 156 मोबाइल्स और हमारी जो यहाँ अभय कमांड सेंटर की टीम है उसने 220 मोबाइल्स बरामद किए हैं जो विभिन्न तरीके से उनके ओनर्स के पास नहीं थे, या तो चोरी हो गए थे या कहीं खो गए थे या किसी ने निकाल दिया गया था। तो इस तरीके से करके कुल 376 मोबाइल जिनकी मार्केट कीमत तकरीबन 80 लाख के आसपास आ रही है उनको बरामद किया गया है और इस टीम में हमारे अधिकारियों ने विशेष भूमिका निभाई है, उनके नाम प्रेस नोट में है। ये कार्रवाई हमने पहले भी कहा था निरंतर जारी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक आदमी के लिए बहुत प्रेशियस आज की डेट में उसकी एंटिटी है। उसका काफ़ी डेटा, फ़ोटोज़, उनकी काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह इसमें रहती हैं। तो हमारे यही प्रयास है कि इसमें हम जितना मदद कर सकें और जितने मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर सकें कोशिश करेंगे। ये आरोपी दरगाह क्षेत्र में मोबाइल्स चुराने के आरोपी हैं और इनके कब्जे से भी मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भी टीम द्वारा अन्य सोर्सेज से ढूंढ ढूंढ के मोबाइल्स को बरामद किया गया। जो आरोपी पकड़े गए उनके नाम नासिर और अजीज़ हैं, ये महाराष्ट्र के भी हैं, तो वहाँ से आके भी मोबाइल फ़ोन्स चोरी करते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि हैक नहीं हो पाते हैं, उन मोबाइल्स को तो पार्ट टू पार्ट तोड़ के और बेच दिया जाता है उनके पार्ट्स को, और जो मोबाइल्स इजीली यूज़ हो सकते हैं या क्रैक हो सकते हैं उन मोबाइल्स को आगे जो लोग अनसस्पेक्टिंग होते हैं उनको बेच दिया जाता है कम दाम में। ये उन्हीं लोगों में से हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और कई बार जो मोबाइल ख़रीद रहा है उसको ये पता भी नहीं रहता कि वो चोरी का मोबाइल है, इसलिए कई बार वाइप आउट करके उनको बेचा जाता है, कई बार उनको ब्रेक करके बेचा जाता है। अभी तो ये दो ही हैं, इनसे बाकी जैसे जो, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल चोरी भी हो जाते हैं, कहीं बस में छूट गया है, कहीं किसी वजह से छूट गया, तो वो भी इसके अंदर साथ साथ बरामद किए गए। अभी इसका रिकॉर्ड हम इकट्ठा कर रहे हैं, अगर कोई पिस्ता की पहली इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो वो भी चार्जशीट में साथ। ये एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज ये अलग अलग मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों तरह की कार्रवाई है। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।